नगर निगम के संघ भवन में सोमवार को अकेंद्रीय कर्मचारी संघ की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अकेंद्रीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा तथा संचालन संरक्षक शेषनाथ पांडे ने किया। बैठक में समन्वय समिति के अध्यक्ष द्वारा अकेंद्रीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष की उपेक्षा किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि समन्वय में अकेंद्रीय कर्मचारी संघ की क्या भूमिका होगी, इस पर विचार किया गया। बैठक में दीपक श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश पांडे, सुनील कुमार बनर्जी, अफरोज आलम, धर्मेंद्र गौड़, अमन श्रीवास्तव, मनोज पांडे, सुरेंद्र कुमार पांडे, शक्ति प्रकाश मिश्र, अरविंद कुमार यादव, गणेश प्रसाद, संत कुमार सिंह, रविकांत सैनी, रुदल यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अकेंद्रीय कर्मचारी संघ के संरक्षक शेषनाथ पांडे ने कहा, मैं समाप्त हुआ, सोने की लंका जल करके भस्म हुई, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। चाहे केंद्रीय कर्मचारी संघ हो, चाहे हमारे समन्वय समिति, हमारे अध्यक्ष भाई मंत्री जी हमारे भी हैं वर्तमान में, पांडे जी, सुरेंद्र पांडे जी, जो कि कितनों के समन्वय के नाते, कौशल कुमार शुक्ला, रविंद्र कुंवर, और हम लोगों ने समझाया, भाई नहीं चलिए आप महामंत्री में रहिए, राम प्रकाश सिंह जी को अध्यक्ष बन जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तौर से आपसे बता दें, घर का भेदिया लंका का है, तो कोई भी यदि घर का भेदिया होता है तो निश्चित तौर से उसे पहले समझाने का महत्व होता है। आपको बता दें कि अकेंद्रीय कर्मचारी संघ सबको इसमें विलीन है, हम लोग एक चुंगी सभी लोग जो बैठे हुए हैं बाबू संपर्क से, चाहे हमारे वसूली के स्टाफ हैं, देखिए कितना काम है उन लोगों के पास, लेकिन हम लोगों ने एक रास्ता निकाला, जिसके पास समय हो भाई बैठ के कर्मचारी समस्याओं का समाधान हो। मुझे इस दुख है, जब से नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति का चुनाव हुआ है, हमारे कर्मचारी कितने त्रस्त हैं अधिकारियों से, आए दिन कुछ न कुछ जो भी फरमान जारी होता है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। मित्रों, मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ, पर निर्णय लेना पड़ेगा हम लोगों को कि यदि अधिकारी 10 से 5 रजिस्टर चेक करते 5 बजे के बाद हम लोगों का काम बंद करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को निश्चित तौर से विरोध करना चाहिए। मैं बता दूं, मुझे दिया गया 2 सीट का काम करने के लिए, मैंने लिख करके भी दे दिया हूं कि मैं 2 जगह काम नहीं करूंगा, 1 जगह सीट का काम करूंगा, मुझे सीट का आवंटन करिए। तो सभी लोग अपने जो भी काम दिया गया है निष्ठापूर्वक काम करिए, लेकिन जहां आपको हम 10 मिनट लेट होते हैं तो कारण बताओ नोटिस जारी हो जाती है, वेतन रुक जाता है, मेरा एजेंडा पेपर के माध्यम से प्रकाशन भी होना चाहिए, और उन लोगों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, टाइम टाइम फिर ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। कर्मचारियों को जो भी एकता है उसमें कोई भी यदि भंग करता है, कर्मचारी को हम ही हो निश्चित तौर से उनको। शेषनाथ पांडे, संरक्षक अकेंद्रीय कर्मचारी संघ। नगर निगम में एक समन्वय समिति की स्थापना हुई है, जिसमें 5 संगठन हैं, 5ों संगठन मिल करके जो है समन्वय समिति जो बनाए हुए हैं, समन्वय समिति के ही माध्यम से अधिकारियों से मिलना, कर्मचारी समस्याओं को के समाधान हेतु वार्ता जो की जाती है, जिसमें अकेंद्रीय कर्मचारी संघ भी एक हिस्सा है। उसमें आज समन्वय समिति के अध्यक्ष द्वारा अकेंद्रीय कर्मचारी संघ की उपेक्षा की जा रही है, अध्यक्ष की उपेक्षा की जा रही है, जिसके संबंध में एक आवश्यक बैठक जो है अकेंद्रीय कर्मचारी संघ की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है, कि ऐसी स्थिति में आपस में विचार विमर्श किया जाए कि समन्वय समिति रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर जो है विचार हेतु हम लोग जो है आज यह बैठक कर रहे हैं। यह अकेंद्रीय कर्मचारी संघ की बैठक है, जिसमें 100% उपस्थिति जो है वह है।